नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज हम लोग ग्रामर का एक स्पेशल टॉपिक लेकर के आए हैं आपके सामने। देखेंगे, टॉपिक है रिमूवल ऑफ टू। रिमूवल ऑफ टू दोस्तों एक ग्रामर का ऐसा टॉपिक है जिससे रिलेटेड काफ़ी सवाल एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, और सही नहीं जानने पर काफ़ी क्वेश्चंस गलत हो सकते हैं जिन एग्जाम्स में। अतः इस चैप्टर को भली भांति समझ लेना आप लोग के लिए ज़रूरी है दोस्तों। देखेंगे और समझेंगे। सबसे पहले तो समझ लें, टू का मतलब होता क्या है। टू का मतलब होता है आवश्यकता से अधिक, या जितना होना चाहिए उससे अधिक। देखेंगे दोस्तों, आवश्यकता से अधिक। जी हाँ दोस्तों, टू का मतलब होता है आवश्यकता से अधिक। दोस्तों कुछ वर्ड्स को लिखते हैं टू को जोड़ कर करके, और उसको समझने का प्रयास करेंगे कि टू का प्रयोग आखिर किस तरह से हुआ है वर्ड के लिए, और उसका मतलब क्या हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, देख पा रहे हैं आप कुछ वर्ड्स को हमने लिखा है जिसके आगे टू का प्रयोग किया है। टू स्लो मीन्स स्लो तो है, लेकिन जितना स्लो होना चाहिए उससे अधिक। यदि टू का प्रयोग करते हैं तो इसका मतलब हो जाता है जितना स्लो होना चाहिए उससे अधिक स्लो है। फिर वीक, टू वीक। वीक का मतलब कमजोर, लेकिन टू वीक, TOO लग जाता है, तो टू वीक का मतलब हो जाता है कि इतना कमज़ोर, यानी जितना होना चाहिए कमज़ोर, कहीं ज़्यादा कमज़ोर। टू हॉट, किसी या पानी या चाय के बारे में आप बोलते हैं काफ़ी गर्म है, यानी जितना गर्म आपके लिए होना चाहिए चाय या पानी उससे ज़्यादा गर्म है। यानी टू जब लग जाता है तो उसका मतलब हो जाता है जितना होना चाहिए उससे अधिक। टू कोल्ड, पानी ठंडा है लेकिन कितना, आवश्यकता से अधिक, यानी टू कोल्ड। एक चीज़ और इसमें देख पा रहे होंगे दोस्तों कि टू के बाद जितने भी वर्ड्स हैं सब सारे वर्ड एडजेक्टिव। टू के बाद जितने वर्ड्स आए हैं सारे वर्ड्स एडजेक्टिव है। तो रिमूवल ऑफ टू में टू के साथ हम लोग एडजेक्टिव का प्रयोग देखेंगे कैसे हुआ है। जी हाँ दोस्तों, सेंटेंस विथ टू, कुछ सेंटेंसेस को हम लोग देखेंगे जिसमें टू TOO का प्रयोग किया हुआ है। फिर उससे हम लोग रिमूवल ऑफ टू यानी टू को हटाने का विधि और तरीका समझेंगे, और फिर उसको हटाएंगे और बनाएंगे दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, टू का प्रयोग करते हुए कुछ सेंटेंसेस को यहाँ लिखा हूँ मैं, आप देखें और समझेंगे कि टू जब लग जाता है तो सेंटेंस का मीनिंग क्या हो जाता है, और इसको इसका रिमूवल ऑफ टू कैसे बनेगा इसके बाद हम लोग सीखेंगे। ही इज टू स्लो
टू वर्क, यानी जो सब्जेक्ट है ही वह इतना स्लो है, टू स्लो मीन्स आवश्यकता से अधिक स्लो, जितना स्लो जनरली होना चाहिए उससे कहीं ज़्यादा स्लो है, ही इज़ टू स्लो, वो इतना स्लो है, इतना स्लो है कि वह चल नहीं सकता है, यानी वो चलने लायक नहीं है, इतना स्लो है कि वो चलने लायक नहीं है। यू आर टू वीक टू प्ले, यानी आप इतने कमज़ोर हैं कि आप खेल नहीं सकते हैं, यानी खेलने लायक नहीं है, उतना शक्ति आप में नहीं है कि आप खेल सकते हैं, यानी आवश्यकता से अधिक हो जाए, टू वीक आवश्यकता से अधिक। दे आर टू वीक टू रन, वे लोग इतने कमज़ोर हैं कि दौड़ नहीं सकते, यानी दौड़ने के लिए जितनी शक्ति होनी चाहिए उतनी नहीं, यानी वो कमज़ोर ही नहीं है बल्कि जितना कमज़ोर होना चाहिए उससे कहीं ज़्यादा कमज़ोर है। थोड़ा बहुत कमज़ोर रहे तो वो दौड़ सकते हैं, लेकिन वो दौड़ ही नहीं पा रहे हैं, मतलब आवश्यकता से अधिक कमज़ोर है। दोस्तों इसका रिमूवल ऑफ टू कैसे होता है, पहले इसका फॉर्मेट हम लोग सीख लेंगे, इसके बाद रिमूवल ऑफ टू का फॉर्मेट हम लोग सीखेंगे। जी हाँ दोस्तों, इसी से हम लोग फार्मूला बनाएंगे, ही इज टू स्लो टू वीक टू वॉक, तो ही सब्जेक्ट, एक्सिलरी वर्ब, दोस्तों एक्सिलरी वर्ब हो गया इज एम आर वाज वेर, दीज आर द एक्सिलरी वर्ब्स, तो जैसे इज का प्रयोग हुआ तो ये एक्सिलरी वर्ब है, उसके बाद टू लगा, उसके बाद स्लो जो है वो एडजेक्टिव है, फिर टू रखिए, वॉक जो है वर्ब का पहला रूप है इसलिए गिवन दिए, और यहाँ कोई ऑब्जेक्ट नहीं है या कुछ अदर वर्ड्स नहीं है तो कोई बात नहीं, यहाँ रह सकता है। दोस्तों अब रिमूवल ऑफ टू, यानी फार्मूला आपके सामने है, अब इससे रिमूवल ऑफ टू कैसे करेंगे, यानी टू को कैसे हटाएंगे, ये बिल्कुल ईजी है दोस्तों, एक फॉर्मेट बता देता हूँ, उस फॉर्मेट पे सारे सेंटेंसेस बन जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अब देखें रिमूवल ऑफ टू का जो फॉर्मेट बना है, ये है आपका रिमूवल ऑफ टू, ये सेकंड फॉर्मूला जो है ये रिमूवल ऑफ टू, रिमूवल ऑफ टू के लिए फॉर्मूला है ये है विथ टू, ये यहाँ टू लगा हुआ है, यहाँ रिमूवल ऑफ टू हो गया दोस्तों। अब देखें रिमूवल ऑफ टू का जो फार्मूला है इस पर हम लोग कैसे सेट करेंगे, ऊपर का जो सेंटेंस दिया हुआ है ये सेंटेंस इसको हम लोग इस फॉर्मेट पे बनाएंगे तो कैसे बनेगा दोस्तों, देखेंगे ध्यान से। ही इज टू स्लो टू वॉक, ये इस फॉर्मेट पे बना हुआ है, टू के साथ है, इसका रिमूवल ऑफ टू करेंगे दोस्तों तो इस फार्मूला को हम लोग बनाएंगे कैसे, हम देखेंगे सब्जेक्ट है तो ही इज है एक्सिलरी वर्ब, तो इज टू है
टू के बदले हम लोग सो देंगे दोस्तों, टू को हटा करके सो देंगे। यही समझने वाली बात है कि टू को हटा करके हम लोग सो का प्रयोग करेंगे, टू के जगह हम लोग सो का प्रयोग करेंगे एस को, और फिर एडजेक्टिव जो है इसको लिख देंगे स्लो। अब देखिए एक और टू आया टी ओ, ये टू के बदले हम लोग दैट का प्रयोग करेंगे, इस टू के बदले हम लोग दैट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट, क्या सब्जेक्ट है, जो सब्जेक्ट है वही सब्जेक्ट है, जो सब्जेक्ट इसमें है वही सब्जेक्ट यहाँ देना है, ही है ही है तो ही। अब देखें दोस्तों यहाँ मैंने दो चीज़ लिखा है कैन नॉट और कुड नॉट, कैन नॉट और कुड नॉट। यदि सेंटेंस में इज एम आर का प्रयोग हुआ रहे तो, यानी सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में रहे तो कैन नॉट का प्रयोग करेंगे, और यदि सेंटेंस में वाज और वर का प्रयोग, वाज या वर का प्रयोग हुआ रहेगा तो उसमें हम लोग कुड नॉट का प्रयोग करेंगे। यानी सेंटेंस पास्ट टेंस में हो तो कुड नॉट, और सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है तो कैन नॉट का प्रयोग करेंगे। दोस्तों देखें बनाएंगे, ही इज टू को स्लो, टू को स्लो में बदल दिए, फिर एडजेक्टिव एडजेक्टिव रह गया, और टू को दैट, टू को दैट में बदल करके फिर सब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट ही है तो ही। अब चूंकि देखिए यहाँ इज लगा हुआ है, इज लगा हुआ है तो ये चूंकि प्रेजेंट टेंस में है इसलिए कैन नॉट का प्रयोग करेंगे, कैन नॉट, उसके बाद जो वर्ब है, जो वर्ब है वो दे देंगे। जी हाँ दोस्तों ये आपका हो गया रिमूवल ऑफ टू, रिमूवल ऑफ टू। दोस्तों ये देखें ही इज टू स्लो टू वॉक, इस फॉर्मेट को बना है सब्जेक्ट, एक्सलरी वर्ब इज है, फिर टू है, फिर स्लो जो है वो एडजेक्टिव है, फिर टू को टू रख दिया, वॉक जो है वो वर्ब वन है, और कुछ अदर वर्ड्स भी रह सकता है जबकि यहाँ अदर वर्ड्स नहीं है। रिमूवल ऑफ टू का जो स्ट्रक्चर होगा दोस्तों वो इस तरह से होगा, सब्जेक्ट, फिर एक्सलरी वर्ब जो है, फिर टू को हम लोग सो में बदलेंगे, टू टी डबल ओ को सो में बदलेंगे, एडजेक्टिव जो है उसको रहने देंगे, और फिर यहाँ देखिए यानी दो टू को बदलना, टी डबल ओ टू को सो में बदलना है, और टी ओ इस टू को हम लोग डैट में बदलेंगे, डैट में बदल देंगे। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, जो सब्जेक्ट है वही यहाँ यहाँ रखेंगे, जैसे सब्जेक्ट ही है तो ही रहेगा, यानी यही सब्जेक्ट यहाँ आ जाएगा ही। अब आपको बताया कि एक्चुअली वर्ब यदि इज एम आर रहे तो वहाँ कैन नॉट का प्रयोग करेंगे, और यदि वाज और वर रहे तो वहाँ कुड नॉट का प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों देख रहे हैं यहाँ इज का प्रयोग हुआ है, अतः यहाँ कैन नॉट का प्रयोग करेंगे, ये कैन नॉट का प्रयोग करेंगे, और उसके बाद कैन नॉट के बाद हम लोग वर्ब का पहला रूप लगा देंगे। दोस्तों एक और सेंटेंस हम लोग लेते हैं यहाँ और समझने का कोशिश करेंगे। जी हाँ दोस्तों ये सेंटेंस है विथ टू, यानी टी डबल ओ इसमें लगा हुआ है, इसका रिमूवल ऑफ टू क्या होगा दोस्तों, इस फॉर्मेट का खुद बनाएं, खुद बनाएं दोस्तों। देखें सब्जेक्ट मैंने आपको क्या बताया, सब्जेक्ट को डालिए यहाँ, डालिए यू, एक्सिलरी वर्ब आर है आर, फिर आपको बताया था टू को किस में बदलना है, सो में, टू को सो में बदल देना है सो, उसके बाद एडजेक्टिव, यानी इसके बाद जो है वो एडजेक्टिव, एडजेक्टिव रख दीजिए, उसके बाद इस टू को हम लोग किस में बदलेंगे दोस्तों, दैट में, दैट में, दैट, उसके बाद सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट है वही सब्जेक्ट, देखिए यहाँ भी और यहाँ दोनों सेम होगा यू। अब देखिए कैन नॉट होगा कि कुड नॉट होगा, आपको बताया था कि एक्सिलरी वर्ब इज एम आर रहे तो कैन नॉट का प्रयोग करेंगे, यहाँ यू के साथ आर है इसलिए कैन नॉट का प्रयोग होगा, कैन नॉट। जी हाँ दोस्तों अब देखें यू आर टू वीक टू प्ले
यू आर सो वीक दैट यू कैन नॉट प्ले, यानी इसका मतलब हो गया कि आप दोनों का मतलब एक ही है कि आप इतने कमज़ोर हैं, चलने लायक आप नहीं हैं। यहाँ यहाँ भी वही हो गया कि आप इतने कमज़ोर हैं कि आप चल नहीं सकते दोस्तों। ये इसको देखें, ठीक है दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों कुछ सेंटेंस कर लेते हैं इसी में। आपको बताया था जो फार्मूला था उसमें एक्सिलरी वर्ब और वाजब वर्ब के विषय में एक सेंटेंस को लेकर के बनाते हैं। जैसे यदि रहेगा ही वाज टू वीक टू रन, फार्मूला हमने मिटा दिया दोस्तों। अब देखें इसको कैसे बनाएंगे। ही अब देखें वाज है, वाज लगाएंगे। अब टू को किस में बदलते हैं, सो में। एडजेक्टिव जो है उसको रख दीजिए वीक। अब टू को ये टू को किस में बदलते हैं, दैट में। उसके बाद सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट क्या है ही। अब देखिए यहाँ समझने वाली बात है कि अब यहाँ कैन नॉट होगा कि कुड नॉट होगा। दोस्तों मैंने आपको बताया कि यहाँ कैन नॉट होगा कि कुड नॉट होगा। आपको बताया था यदि एक्जिलरी वर्ब इज एम आर रहे तो कैन नॉट, और यदि वाज या वर रहे तो वो कुड नॉट के साथ आता है सब्जेक्ट। तो क्या हो जाएगा, कुड नॉट रहा दोस्तों। ठीक है दोस्तों इसका अलग पार्ट को फिर देखेंगे। एक सेंटेंस में लिखता हूँ दोस्तों, इसको समझेंगे। देखेंगे दोस्तों इस सेंटेंस को देखेंगे, द ट्री इज टू हाई टू क्लाइंब, यानी पेड़ की लंबाई कितनी है, उसकी ऊंचाई कितनी है, जितनी होनी चाहिए उससे काफ़ी ज़्यादा है। कैसे, ताकि कोई चढ़ नहीं सके, यानी चढ़ने के लिए जो जनिन हाइट होनी चाहिए उससे कहीं ज़्यादा है, कोई इस पर चढ़ नहीं सकता। यानी जब सबके लिए बात हो, यानी जब सबके लिए बात हो, जैसे इसमें द ट्री इज टू हाई टू क्लाइंब, यानी जो पेड़ बड़े हैं, पेड़ की ऊंचाई बहुत ज़्यादा है तो चढ़ने में सबको परेशानी होगी दोस्तों। यदि और कुछ सेंटेंस लिखते हैं देखें, वर्ड को यूज कर रहे हैं, यानी माउंटेन की जो ऊंचाई है वह जनरली जितनी होनी चाहिए चढ़ने के लिए उससे कहीं ज़्यादा है। यानी ये भी सबके लिए प्रयोग है, सबके लिए ये वाक्य है कि माउंटेन पे चढ़ने के लिए ये सबके लिए ये बात हो रही है
माउंटेन पर चढ़ने की बात ये सबके लिए हो रही है कि वह माउंटेन इतना ऊंचा है कि इस पर कोई चढ़ नहीं सकता, यानी सबके लिए ये बात हो रही है। पेड़ की ऊंचाई इतनी है कि उसको चढ़ने उस पर चढ़ने के लिए सबको परेशानी, नहीं चढ़ सकते हैं। देखें दोस्तों, इस तरह के सेंटेंस को सेंटेंस से रिमूवल ऑफ टू कैसे करते हैं, इसका पहले स्ट्रक्चर समझेंगे और फिर बनाएंगे। देखें दोस्तों, ये सेंटेंस से टू को कैसे रिमूव करेंगे, द ट्री इज टू हाई टू क्लाइम, यानी ये इस फॉर्मेट में बना है, द ट्री सब्जेक्ट एक्सिलरी वर्ब इज टू टू एडजेक्टिव एडजेक्टिव टू टू वी वन ऑब्जेक्ट नहीं है तो कोई बात नहीं। इसका रिमूवल ऑफ टू बनाने के लिए रिमूवल ऑफ टू का फॉर्मूला है, इसको समझेंगे। सब्जेक्ट डाल देंगे, जो सब्जेक्ट है वही रहेगा, सब्जेक्ट एक्सिलरी वर्ब। अब यहाँ टू को सो में बदलेंगे दोस्तों, ये टू को सो में बदलेंगे, एडजेक्टिव जो है वो रहेगा और इस टू को हटा के फिर दैट का प्रयोग करेंगे। अब दो चीज़ें, वन कैन नॉट, नो वन कैन, वन कैन नॉट और नो वन कैन, ठीक है। वन कैन नॉट, देखें दोस्तों दोनों का प्रयोग कर सकते हैं, दोनों में से किसी एक का प्रयोग कर सकते हैं। फर्क यह है कि वन कैन नॉट, वन कैन नॉट का प्रयोग करें या फिर नो वन का प्रयोग करेंगे। फर्क यह है कि सिर्फ वन कैन, वन कैन का प्रयोग करेंगे तो नॉट का प्रयोग करना होगा और नो का प्रयोग करेंगे तो नॉट का प्रयोग नहीं करना होगा, क्योंकि नो ऑटोमेटिक नेगेटिव वर्ड है। इसलिए जब नो वन का प्रयोग करें तो नॉट का प्रयोग इसमें नहीं करें और वन का प्रयोग करें तो वन कैन नॉट का प्रयोग करेंगे। दोस्तों इस सेंटेंस को बनाएंगे, देखें सब्जेक्ट द ट्री, द ट्री एक्चुअली वर्ब is so, यानी टू को हम so में बदलेंगे, high, high जो है एडजेक्टिव उसको रखें high, अब इस टू को हम लोग किसमें बदलेंगे, that, उसके बाद देखें या तो इसका प्रयोग करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे, किसी एक का प्रयोग कर सकते हैं, one cannot The tree is too high to climb. तब हो जाएगा The tree is so high that one cannot climb. जी हाँ दोस्तों, दूसरा सेंटेंस को बनाएंगे। स्पेस यहाँ कम है पर प्रयास करूँगा लिखने के लिए।
द माउंटेन एक्सिलरी वर्ब इज, टू बदल जाएगा सो में, हाई एडजेक्टिव यही रहेगा, टू बदल जाएगा डेट में, और एक बार हमने इसका प्रयोग किया वन कैन नॉट, अब नो वन कैन का प्रयोग इसमें कर दीजिए, नो वन कैन क्लाइम, नो वन कैन क्लाइम, दोनों सेंटेंसेस को आप देख सकते हैं दोस्तों, थोड़ा सा जगह की कमी रह गई है। द ट्री इज टू हाई टू क्लाइम, द ट्री इज सो हाई दैट वन कैन नॉट क्लाइम, द माउंटेन इज टू हाई टू क्लाइम, द माउंटेन इज सो हाई दैट नो वन कैन क्लाइम। दोस्तों ये फॉर्मूला है आपका विथ टू, ये विथ टू का फॉर्मूला है, और ये आपका रिमूवल ऑफ टू का फॉर्मूला, इस पर बेस्ट आप सेंटेंसेस को बनाएंगे दोस्तों। या दोस्तों आज हम लोगों ने रिमूवल ऑफ टू के टू पार्ट्स को समझा, रिमूवल ऑफ टू इस चैप्टर का जो सीरीज है ये और आगे बढ़ेगा, पार्ट टू इसमें समझें, इसकी और बारीकियों को हम लोग समझेंगे दोस्तों। उम्मीद करता हूँ मेरा क्लास मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा, ये रिमूवल ऑफ टू बहुत अच्छी तरीके से आप समझ गए होंगे। आप वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें दोस्तों। जय हिंद।